नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखिए पर। आज हम वनों के महत्व पर निबंध लिखेंगे, तो आओ लिखिए। प्रस्तावना। वन मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। वन पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। वृक्षों से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। वृक्ष प्रत्येक जीव के लिए हर प्रकार से उपयोगी हैं। वनों से होने वाले लाभ। वनों से हमें विभिन्न लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। भोजन। वनों से भोजन के लिए फल, कंदमूल आदि की प्राप्ति होती है, जो कई प्रजातियों व जंगली जानवरों के लिए भोजन प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जड़ी बूटियों की प्राप्ति। वनों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। इनसे अनेक असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है। लकड़ी की प्राप्ति। वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ियों की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इन लकड़ियों से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। कुछ अति उपयोगी वृक्ष इस प्रकार हैं: शीशम, सागौन, चंदन, देवदार आदि। उद्योगों के लिए कच्चा माल। रबर, कागज, दिया सलाई आदि विभिन्न उद्योग धंधों के लिए वनों से कच्चा माल मिलता है। वन्य पशु पक्षियों का संरक्षण। वन अनेक जंगली पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है, लोगों की आजीविका का साधन। लकड़ी काटने, चीरने, उसे ढोने आदि करने से बहुत लोगों को आजीविका मिल जाती है। वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार से हैं: पर्यावरण शुद्धिकरण। वृक्ष वातावरण से दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर अपना भोजन बनाते हैं और हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन के रूप में प्रदान करते हैं। वर्षा। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की मानसून पर निर्भरता की दृष्टि से वनों का बहुत महत्व है। वन वर्षा कराने में सहायता प्रदान करते हैं। सूखे से बचाव। वन वातावरण में नमी बनाए रखते हैं, इस प्रकार से ये हमें सूखे की स्थिति से बचाते हैं। बाढ़ से बचाव। वन नदियों की धारा प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, इस प्रकार यह हमें बाढ़ से भी बचाते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पेड़ों के पत्तों के सड़ने गलने से भूमि में जीवांश की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। मृदा अपरदन पर नियंत्रण। पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़े रखते हैं, जिससे मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। उपसंहार। तेजी से वनों की कटाई हो रही है, इसलिए इनका संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। आवश्यकता है कि सरकार वन संरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करवाए, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण का लाभ ले सके। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह वर्ष में एक पेड़ अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे, ताकि भविष्य में होने वाली विपदा से बचाव किया जा सके। तो इस बार आप सभी एक पेड़ अवश्य लगाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।